क्वाड स्ट्रेचिंग हम कई तरीके से कर सकते हैं, सबसे सिंपल खड़ा होके कर सकते हैं। इसके लिए हम स्टैंड होंगे और मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास कुछ सपोर्ट हो। आप चेयर या सिंक भी यूज कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, और अपने पैर को ऊपर उठा के हाथ से पकड़ेंगे और नी को पीछे लेके जाएंगे। अगर आपका नी बहुत ज़्यादा बेंड है, इसका मतलब आपका क्वाड काफ़ी टाइट है। लेकिन अगर आपका नी पीछे आपके नी जॉइंट के बराबर आता है, तो समझिए आपका क्वाड स्ट्रेच हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारा नी थोड़ा सा आगे है, इसका मतलब मेरा भी क्वाड टाइट है।